15 अगस्त 1947 को एक रुपया एक डॉलर के बराबर था। यह बात हम और आप नहीं सोचते, यह बात राजनीतिक व्यक्तित्व भी कह चुके हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है जनाब। हाँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि 1966 से पहले रुपए की कीमत पाउंड में आकी जाती थी। वैसे भी भारत का व्यापारिक विस्तार नहीं था तब। एक डॉलर के मुकाबले 7.50 पैसे की कीमत थी। ना ही 1947 में किसी देश से इंडिया ने कर्ज लिया था। हम आपको 1974 से 2021 तक के रुपए के सफर का ब्यौरा लेकर आए हैं। यहाँ पूरे वर्ष औसत रेट एवं वर्ष के अंत में क्या रेट रहा, SDR USD GBP JPY DM के मुकाबले रुपए का। 1974 से पहले भारत पड़ोसी मुल्कों से जंग से उभरा था, तब भी रुपए का संतुलन अलग अलग स्थिति में था। इसके बाद 1999 से 2000 तक कारगिल वार रहा, तब भी रुपया आज के मुकाबले 2021 के मुकाबले बेहतर रहा। यहाँ तक सब पुराने तरीकों से चल रहा था, लेकिन 2000 के बाद सब कुछ तकनीकी होने लगा। 2013 में SDR 92 USD 60 रुपये, GBP 98 रुपये रहा। 2019 में औद्योगिक, कृषि, एजुकेशन, लोग सब कुछ तकनीकी एवं सर्जित ढंग से होने लगा। साधन हमारे पास उपलब्ध थे है, जबकि 1974-75 के मुकाबले रुपए की कीमत आज भी कम होती जा रही है। 2021 में कैनेडियन डॉलर 60 रुपए, US डॉलर 75 रुपए, यूरो 90 रुपए और पाउंड 103 रुपए। इसका एक कारण रुपए की गिरती कीमतों का एक कारण राजनीतिक अस्थिरता भी है, जिससे घरेलू करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई। जबकि विश्व व्यापार जंग के तनाव में भी कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई हैं। मुख्य कारण निर्यात कम, आयात ज्यादा होने का कारण भी है, जिससे चालू खाते में घाटा बढ़ा है, जो रुपए की कमजोरी की बड़ी वजह है। आजकल हर व्यक्ति बिजनेस करने के बारे में सोचता है, जिसके लिए यह जानना अति आवश्यक है। सामाजिक अर्थव्यवस्था से जुड़े अपडेट के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं। हमारे पेज को सब्सक्राइब एंड फॉलो, लाइक अवश्य करें। थैंक यू।